आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बीते 36 घंटों से नैनीताल के आसपास जंगलों में आग बेकाबू होती जा रही है। हालात बिगड़ता देख अब मोर्चा भारतीय सेना ने संभाल लिया है। आग पर काबू पाने के लिए भारतीय सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर भीमताल और नैनीताल झील से पानी भरकर आग प्रभावित जंगलों तक पहुँच रहा है और हवा से पानी की बौछार की जा रही है। आग ने अब तक नैनीताल में कई हेक्टेयर में फैले जंगल को जलाकर खाक कर दिया है। यहां तक कि जंगल की आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है। इसी बीच सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नैनी झील में नौकायन पर रोक लगा दी गई है। इधर आग की लपटें नैनीताल हाईकोर्ट की कॉलोनी तक पहुंच गई है। नैनीताल भवाली रोड पर पाइंस के जंगलों में आग लगने से पूरी सड़क पर धुआं छाया हुआ है। IIT भवन भी आग की चपेट में आ चुका है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में आग लगने के 31 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 33.34 हेक्टेयर के जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों से सतर्क रहने और सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है, उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है, सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं, और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं, कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए, आज सेना के लोगों से मदद मांगी है, आज सेना के हेलीकॉप्टर भी इस काम में कर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।